हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से समथिंग। फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कैन यू चेंज योर कॉलेज और नॉट। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। फ्रेंड्स, उस वीडियो पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जानना चाहते हो कि बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम या फिर ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने बहुत कॉमेंट किया कि मैं जानना चाहता हूँ। सो वीडियो मैं ये आप लोगों की रिकमेंड से बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे कॉमेंट किया था। एंड आई होप कि अगर आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यस फ्रेंड्स, मैथ के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बायो के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑनर्स क्या है, ये प्रोग्राम क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि प्रोग्राम क्या होता है। यस फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम में बीए प्रोग्राम हुआ, बीकॉम प्रोग्राम हुआ और बीएससी भी प्रोग्राम हुआ। यस फ्रेंड्स, बीएससी प्रोग्राम डायरेक्ट कहा नहीं जाता है, उसमें लाइफ साइंस, अप्लाइड लाइफ साइंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसकी जो कट ऑफ होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लो जाती है। मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन की डेट जो है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक्सटेंड हो गई है। आई विल शो यू। यस फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो आगे हो गई है। उसके बाद जब कट ऑफ आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि ऐसे क्या कट ऑफ आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऑनर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके कट ऑफ जो है वो हाई जाते हैं प्रोग्राम के, बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ऑनर्स चाहिए तो आपको कट ऑफ जो ज़्यादा जाएगा, तो यानी आपके मार्क्स इंटर में ज़्यादा होने चाहिए। एंड प्रोग्राम का आपका इसलिए एडमिशन हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आप किसी में प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे साइंस में लेना चाहते हैं, कॉमर्स में लेना चाहते हैं या फिर आर्ट्स में लेना चाहते हैं, तो आपका इजली एडमिशन जो है वो हो जाएगा। प्रोग्राम में देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे बीए प्रोग्राम हुआ, बीए प्रोग्राम में फ्रेंड्स आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, किसी चार सब्जेक्ट को पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। उन चारों सब्जेक्ट में आपका जो होगा वो अलग अलग चारों सब्जेक्ट होंगे एंड सब सारे सब्जेक्ट 100-100 मार्क्स के होंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप ऑनर्स लेते हैं, जैसे बी का, जैसे बीए ऑनर्स लिए, जैसे इंग्लिश ऑनर्स लिए, ज्योग्राफी ऑनर्स लिए, हिंदी ऑनर्स लिए, कोई भी ऑनर्स लिए, आप उसमें से 200 सब्जेक्ट के 200 नंबर का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यस फ्रेंड्स, उसमें से आप 200 नंबर का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड आपके उसमें जेनरिक रहेगा। मैं आपको बाद में बता दूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं कि जेनरिक क्या है तो मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट कर देना, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि जेनरिक एससी पेपर ये सब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उसमें एक जेनरिक होता है एंड आपका कोई एसीसी का पेपर होता है। सो फ्रेंड्स, ये हुआ ऑनर्स की बात हुई कि जो ऑनर्स होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ऑनर्स में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि ऑनर्स में आप किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट होने के लिए होता है कि अगर आप आगे जाके आप इंग्लिश में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप ऑनर्स लेंगे, यानी आप बीए में इंग्लिश ऑनर्स लिए, फिर आप एमए में इंग्लिश ऑनर्स लिए, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, जिससे आप प्रोफेसर के लिए इजिली अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑनर्स में तो आप समझ गए, लेकिन प्रोग्राम में फ्रेंड्स क्या होता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ना होगी, हर अलग अलग सब्जेक्ट को आपको पढ़ने का चांस मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, मोस्टली तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऑनर्स लीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत फायदा होगा, किसी एक सब्जेक्ट में आप परफेक्ट होंगे, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दें या किसी भी का एग्जाम दें, उसमें से अगर आप कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हैं यूपीएससी में तो उसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे, तो वो चीज़ सही रहेगा। उसी तरह साइंस, ये साइंस में भी होता है फ्रेंड्स कि साइंस में लाइफ साइंस हुआ, अप्लाइड लाइफ साइंस हुआ, या फिर ऑनर्स में जूलॉजी ऑनर्स हुआ, बोटनी ऑनर्स हुआ, या फिर मैथ ऑनर्स हुआ, फिजिक्स ऑनर्स हुआ, केमिस्ट्री ऑनर्स हुआ। फ्रेंड्स, लाइफ साइंस, अप्लाइड साइंस में इन ऑनर्स के अकॉर्डिंग कम मार्क्स जाते हैं, कम कट ऑफ जाते हैं, तो जैसे आपका एडमिशन है वो ईजिली हो जाएगा। और इन सब में प्रैक्टिकल के ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे जूलॉजी ऑनर्स हुआ तो उसमें 200 नंबर के ज़्यादा जो सब्जेक्ट है 200 नंबर का आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं पहले भी बताई आपको ऑनर्स में क्या होता है। और उसी तरह फ्रेंड्स होता है कॉमर्स में भी होता है कि आप बीकॉम प्रोग्राम लिए, बीकॉम आप ऑनर्स लिए, बीकॉम ऑनर्स लेंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना, जिसमें मैंने बताया था कि आपके मिनिमम परसेंटेज आएँ तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लें। उसमें मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अगर आपके ये अगर आपको कॉमर्स लेना है फ्रेंड्स तो उसमें आपको मैथ होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स आपको कि कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स में अगर आप ऑनर्स लेना चाहते हैं तब आपके पास मैथ होना चाहिए। एंड ये मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि आप मैथ ले लेना कॉमर्स, जब आपका ट्वेल्थ में मैथ्स हो तभी आप कॉमर्स में ऑनर्स ले पाओगे। यस फ्रेंड, क्योंकि मैथ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा।
सो फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई अगर आपके पास 12th में मैथ है तो आप इजीली कॉमर्स में कोई भी ऑनर्स ले सकते हो, लेकिन अगर मैथ नहीं है तो सो डोंट वरी, आप कॉमर्स में प्रोग्राम ले सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम ले सकते हो। उसमें से कोई चार सब्जेक्ट रहेंगे जो 100-100 मार्क्स के होंगे चार सब्जेक्ट, एंड सेकेंड ईयर में चेंज हो जाता है, 500 का हो जाता है, एंड थर्ड ईयर में फिर से 400 का हो जाता है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, एंड आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।